हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे इस व्हाइट किचन का फुल टूर। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारे कैबिनेट्स में किस तरीके से क्या डिजाइन की हूँ, साथ में ही मैं क्या प्लानिंग की हूँ, क्योंकि जितना भी आप देखेंगे आगे वीडियो में वो सब मैं डिजाइन की हूँ। मैं उनको बोली कि मुझे कैसा चाहिए, किस तरीके से मैं अपना किचन चाह रही, मैं उनको बताते गई और वो मुझे उस तरीके से रेडी करके दे दिए। तो जितने भी डिजाइन है सब कुछ मेरा ही है, मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मेरे से बेटर आई थिंक मुझे लगता है कोई और प्लान नहीं कर सकता। उनके साथ जाए तो एक वो यूनिवर्सल प्लान बनाते हैं, यहाँ पे ये कैबिनेट होना चाहिए, वहां पे ये ड्रॉर्स होने चाहिए, दैट्स इट। बट अगर मुझे लगता है कि कोई अगर जिसका किचन है वो अगर प्लान करे तो वो बेटर प्लान कर सकता है। तो मेरे व्हाइट किचन की शुरुआत होती है मेरे प्लेटफॉर्म से। जब मेरा सिविल वर्क स्टार्ट था, मेरे घर का बहुत सारा चीज हम लोग चेंज कराए थे, टाइल्स का वर्क कराए थे, उस टाइम ही मैंने जो काउंटर टॉप है वो व्हाइट करा लिया था। साथ में जो बैक वाली टाइल्स आप देख रहे हैं इस साइड की भी, ये भी हम लोगों ने सेम चेंज करा लिया था ताकि फिर पूरा ही एक व्हाइट लुक क्रिएट हो सके। तो जब मैं व्हाइट किचन बना रही थी उस टाइम पे मुझे बहुत से सजेशन मिले, स्पेशली जब मेरा टाइल्स का वर्क चल रहा था उस टाइम पे बहुत से लोग ने मुझे सजेशन दिए कि आप काउंटर टॉप को व्हाइट क्यों करवा रहे हो। बट सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सबका कुछ फेवरेट कलर होता है। मुझे विदाउट एनी डाउट मेरे को पता था मुझे क्या करना है और वो कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर था कि मुझे किस तरीके से क्या करना है। तो बस मैं कर ली और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह व्हाइट किचन प्लान कर रहे हैं तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप व्हाइट किचन प्लान कर रहे हैं तो आप ये चीज समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस किचन है। अगर इसमें एक चीटी भी होती है या कोई भी छोटा सा दाग होता है वो तुरंत ही नजर आ जाता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी और साथ में आपको जो क्लीनिंग है उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा ब्लैक काउंटर टॉप होता है या डार्क कलर का काउंटर टॉप होता है जिसमें कुछ भी गिर गया तो पता भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें एक पॉजिटिव थिंग ये है कि आपका किचन बहुत ज्यादा क्लीन होता है, क्योंकि अगर गंदा दिखता है तो डेफिनेटली हम उसको क्लीन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से पूरा किचन ही बहुत ज्यादा साफ होता है और क्लीनिनेस बहुत ज्यादा मेंटेन होती है। तो डेफिनेटली अगर आप जाना चाहते हैं व्हाइट किचन के साथ तो आप जा सकते हैं, मेरा सजेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल व्हाइट किचन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कंप्लीट व्हाइट किचन बनवाना और मैंने भी बनवा लिया अपना व्हाइट किचन। और ये जो किचन आप देख रहे हैं मेरा, ये ड्रीम किचन था और ये कंप्लीट हो चुका है। तो आगे मैं आप लोगों के साथ पूरे कैबिनेट सारी चीजें मैं शेयर करूंगी कि कौन सी चीज के लिए मैं कहाँ पे कौन सी चीज प्लान की हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे लगता है कि जो किचन है वो जो ऑनर है या फिर जिसको यूज करना है मॉड्यूलर वाले होते हैं वो एक यूनिवर्सल प्लान बनाते हैं। जब मैंने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया तो बहुत सी चीजें चेंज हुई, वो कुछ और चाह रहे थे, मैं कुछ और चाह रही थी, बट फाइनली उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग मुझे रेडी करके दिया किचन, क्योंकि जिसको यूज करना है वो बेटर जानता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोगों को बिल्डर ने यहाँ पर सिंक बना के दिया था, बट उसको हम लोगों ने रिमूव करा दिया क्योंकि हमको पता था यहाँ पे कोई यूज नहीं है। देन हम लोगों ने फिर ये वाला एक बॉल हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से प्लान किए, जो आर ओ वाटर वाला सिस्टम है हम लोगों ने यहाँ पे लगवाया। तो ये चीजें हैं कि हमको पता था यहाँ पे कोई यूज नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स धोई जाती है, कुकिंग के टाइम पे जो भी हैंड वॉश करना होता है हम सिर्फ इतना ही करते हैं। एक जो यूजर होता है उसको बेटर पता होता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ चाहिए और कौन सी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर समझिए कि मैं यहाँ से सिंक को नहीं हटाती तो सोचिए मेरा स्पेस कितना सारा चला जाता और मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है चीजें रखने का या फिर खाना बना के रखने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। तो बहुत सी चीजें हम लोगों ने चेंज कराई और फ्यूचर को सोच के सारी चीजें हम लोगों ने किए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूरा टूर। तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लोअर कैबिनेट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का एक पार्टीशन है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे मिक्सी के पार्ट्स भी रखे जा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ रखनी हो रख सकते हैं। नीचे बड़े बर्तन आ जाएंगे आराम से। नेक्स्ट यहाँ पे है बॉटल पुल आउट। तो देखिए इस तरीके से थ्री लेयर में ये बॉटल पुल आउट है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी हाइट कम ज़्यादा की जा सकती है। और यहाँ पर जो भी छोटे मसाले के डिब्बे हैं या जो भी आप रखना चाहें आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बॉटल पुल आउट हो जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे कैबिनेट्स के क्लोजिंग है वो सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कटलरी वाला सेक्शन। तो देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे कटलरी का सेक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके साथ में है एक वायर बास्केट जिसमें कि जो भी है ग्लास के आइटम्स या फिर टिफिन जो भी रखना चाहे, जो भी सामान इसमें आ जाए वो रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है
बड़ा बास्केट जिसमें सारे बड़े बर्तन आराम से स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जो एक और बड़ा बास्केट, क्योंकि मैंने बड़े बास्केट ज़्यादा प्लान किए हैं क्योंकि बड़े बर्तन के साथ साथ छोटे तो इसमें आ ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है एक प्लेट वाला बास्केट। तो इस तरीके से एक ही मैंने बड़ा प्लेट वाला बास्केट रखा है जिसमें सारी छोटी बड़ी प्लेट्स आराम से इसमें आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर काउंटर वाटर प्योरीफायर, और इस तरफ है हमारा गैस सिलेंडर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पार्टीशन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करवाए हैं क्योंकि सिलेंडर को निकालने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और साथ ही में जब वाटर प्योरीफायर का सर्विसिंग होता है उस टाइम पे भी उनको स्पेस चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन हम लोगों ने खाली रखे जिसमें हम लोगों को काफी सारा स्पेस नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट अपर कैबिनेट, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक अपर कैबिनेट हम लोगों ने प्लान किए हैं, और इसमें जो एक ग्लास पार्टीशन बीच में लगेगा वो अभी लगना बाकी है। उसका जो भी नाप है वो दे दिया गया है, तो बहुत जल्द वो भी लग जाएगा। और ये भी जो क्लोजिंग है इसकी वो सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ है। नेक्स्ट यहाँ पे चिमनी भी हम लोगों ने पैक करवा दी क्योंकि पाइप यहाँ पे विजिबल थी। इसके जस्ट साइड में है एक और अपर कैबिनेट, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे है एक अपर कैबिनेट, इसका भी ग्लास पार्टीशन लगना बाकी है। तो इस तरीके से चिमनी के दोनों साइड में एक एक अपर कैबिनेट प्लान हुए हैं। उसके बाद वाटर प्यूरिफायर के जस्ट ऊपर में यहाँ पे हमने प्लान किए कुछ ऐसा जिसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे रख सकते हैं जो कि किचन में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन देखिए, पूरा फर्नीचर होने के बाद भी स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है, जबकि और बड़ा बड़ा सा मुझे किचन फील हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मॉड्यूलर होने के बाद में हो सकता है कि मुझे मेरा किचन छोटा लगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कलर यूज़ करने का यही फायदा है, किचन जो है अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, रिच लगता है और साथ में बड़ा भी लगता है। और अगर लाइट कलर यूज़ किया जाए तो किचन और भी ज़्यादा अच्छा ब्राइट लगता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और साथ में फ्रिज। साथ में यहाँ पे है ग्लास वाले कैबिनेट, जो भी क्रॉकरी वगैरह है और जो भी ग्लास जार है उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से प्लान किए हम लोगों ने। इसमें मैं कोई भी पार्टीशन नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि इसमें सारी क्रॉकरी की जो प्लेट्स होती हैं वो सब इसमें रखी जाएगी स्टैंड के साथ में, तो इसमें कुछ भी प्लान नहीं किया। नेक्स्ट उसके साइड में एक सिंगल ग्लास शटर अपर कैबिनेट यहाँ पे एक बना है जिसमें कि ग्लास पार्टीशन अभी हम लोगों को करवाना है, इसका भी बचा हुआ है। और उसके बाद फिर इसमें कप बसी या फिर जो भी क्रॉकरी वाले आइटम है वो सब यहाँ पे हम रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा टॉल यूनिट, मेरा जो ग्रोसरी यूनिट है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है अपर पार्टीशन, अपर इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड करवाए हैं जिसमें कि बहुत सारा जो ग्रोसरी का सामान होता है मंथली वो आराम से स्टोर हो सकता है। बड़े बड़े ग्लास जार भी स्टोर किए जा सकते हैं, और ऐसे भी 5 किलो 10 किलो का जो भी आटा चावल है वो भी आराम से यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टीशन किया गया है। पार्टीशन अगर नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं, तो स्पेस और भी लंबा हो जाएगा। ये भी सॉफ्ट क्लोज के साथ है, तो देखिए इस तरीके से ये मेरा फेवरेट है। तो इस तरीके से कॉर्नर का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया है टॉल यूनिट, जो कि मुझे चाहिए था किचन में, मस्ट है स्टोरेज के लिए। उसके बाद फिर आप एक पूरा ओवर लुक देख लीजिए मेरा कंप्लीट किचन का मॉड्यूलर होने के बाद में, और आप देख सकते हैं काफी ब्राइट लग रहा है और स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है, और जैसा मुझे चाहिए था कंप्लीट वैसा ही अभी नजर आ रहा है बनने के बाद में। मैं बहुत खुश हूँ आज। तो ग्लास कैबिनेट के जस्ट नीचे में हम लोगों ने प्लान किए हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन हमारे किचन के लिए। तो नीचे हमारा आ जाता है वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर। उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे जो काउंटर टॉप है उसमें हमारा आ जाएगा ओटीजी, ओवन, साथ में इंडक्शन, मिक्सी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्यूचर के हिसाब से पहले ही हम लोगों ने फ्रिज के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़कर रखे हैं ताकि फ्यूचर में बड़ी फ्रिज अगर आती है तो आराम से इसमें फिट हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सीलिंग की कुछ डिज़ाइन प्रोफाइल लाइट्स की, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो वाइट किचन का टूर है वो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए।